अष्टावक्र गीता प्रथम अध्याय। वयोवृद्ध राजा जनक बालक अष्टावक्र से पूछते हैं, हे प्रभु, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? मुक्ति कैसे प्राप्त होती है? वैराग्य कैसे प्राप्त किया जाता है? ये सब मुझे बताएं। श्री अष्टावक्र उत्तर देते हैं, यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो अपने मन से विषयों वस्तुओं के उपभोग की इच्छा को विष की तरह त्याग दीजिए। क्षमा, सरलता, दया, संतोष तथा सत्य का अमृत की तरह सेवन कीजिए। आप न पृथ्वी हैं, न जल, न अग्नि, न वायु अथवा आकाश ही हैं। मुक्ति के लिए इन तत्वों के साक्षी चैतन्य रूप आत्मा को जानिए। यदि आप स्वयं को इस शरीर से अलग करके चेतना में विश्वास करें तो तत्काल ही सुख, शांति और बंधन मुक्त अवस्था को प्राप्त होंगे। आप ब्राह्मण आदि सभी जातियों अथवा ब्रह्मचर्य आदि सभी आश्रमों से परे हैं तथा आंखों से दिखाई न पड़ने वाले हैं। आप निर्लिप्त, निराकार और इस विश्व के साक्षी हैं, ऐसा जानकर सुखी हो जाएं। धर्म, अधर्म, सुख, दुख मस्तिष्क से जुड़े हैं, सर्वव्यापक आप से नहीं। न आप करने वाले हैं और न भोगने वाले हैं, आप सदा मुक्त ही हैं। आप समस्त विश्व के एकमात्र दृष्टा हैं, सदा मुक्त ही हैं। आपका बंधन केवल इतना है कि आप दृष्टा किसी और को समझते हैं। अहंकार रूपी महासर्प के प्रभाववश आप मैं करता हूं ऐसा मान लेते हैं। मैं करता नहीं हूं, इस विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जाइए। मैं एक विशुद्ध ज्ञान हूं, इस निश्चय रूपी अग्नि से गहन अज्ञान वन को जला दें, इस प्रकार शोक रहित होकर सुखी हो जाएं। जहां ये विश्व रस्सी में सर्प की तरह अवास्तविक लगे, उस आनंद, परम आनंद की अनुभूति करके सुख से रहें। स्वयं को मुक्त मानने वाला मुक्त ही है और बद्ध मानने वाला बधा हुआ ही है। यह कहावत सत्य ही है कि जैसी बुद्धि होती है वैसी ही गति होती है। आत्मा साक्षी, सर्वव्यापी, पूर्ण, एक, मुक्त चेतन, अक्रिय, असंग, इच्छा रहित एवं शांत है। भ्रमवश ही ये सांसारिक प्रतीत होती है। अपरिवर्तनीय चेतन व अद्वैत आत्मा का चिंतन करें और मैं के भ्रम रूपी आभास से मुक्त होकर बाह्य विश्व की, अपने अंदर की भावना करें। हे पुत्र, बहुत समय से आप मैं शरीर हूं इस भाव बंधन से बंधे हैं। स्वयं को अनुभव कर ज्ञान रूपी तलवार से इस बंधन को काट कर सुखी हो जाएं। आप असंग, अक्रिय, स्वयं प्रकाशवान तथा सर्वथा दोष मुक्त हैं। आपका ध्यान द्वारा मस्तिष्क को शांत रखने का प्रयत्न ही बंधन है। यह विश्व तुम्हारे द्वारा व्याप्त किया हुआ है, वास्तव में तुमने इसे व्याप्त किया हुआ है। तुम शुद्ध और ज्ञान स्वरूप हो, छोटेपन की भावना से ग्रस्त मत हो। आप इच्छा रहित, विकार रहित, घन शीतलता के धाम, अगाध बुद्धिमान हैं। शांत होकर केवल चैतन्य की इच्छा वाले हो जाइए। आकार को असत्य जानकर निराकार को ही चिर स्थायी मानिए। इस तत्व को समझ लेने के बाद पुनः जन्म लेना संभव नहीं है। जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंबित रूप उसके अंदर भी है और बाहर भी, उसी प्रकार परमात्मा इस शरीर के भीतर भी निवास करता है और उसके बाहर भी। जिस प्रकार एक ही आकाश पात्र के भीतर और बाहर व्याप्त है, उसी प्रकार शाश्वत और सतत परमात्मा समस्त प्राणियों में विद्यमान है।